देखिए, मुझसे पूछा जा रहा है कि लखा क्या कर रहा है। अरे मैंने कहा लखा जो है वो अब चुन्नी ओढ़ के गाने गाता है, मादा चोला है रंगला, मेरी माई दा चोला है रंगला। अब आप पूछेंगे कि मुझे इस बारे में कैसे पता। सीधी सी बात है भैया, मेरी जिंदगी में भी जो कुछ हुआ है वो सिर्फ माई ने ही किया है, मेरी माई ने, लखा साहब की नहीं, मेरी। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, हाँ लक्कू। अरे तुम कहाँ, पंजाब पंजाब में कहाँ पे, भटिंडा कहाँ हो? अरे यार मैं न्यूज देख रहा था, अभी तो मैं लोगों को बना रहा हूं ना। जब तक तुम गिरते रहोगे हम सपोर्ट करते रहेंगे तुम्हें, समझ रहे हो बात को? लेकिन ये ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। एक मिनट, आदत से मजबूर हूं ना, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। हाँ देखो जीजू आ रहे हैं उस तरफ, मिल लेना उनसे, तुम्हारे जैसे लोगों की तो उनको बहुत जरूरत रहती है। अच्छा पहले काम किया हुआ तुमने, मम्मी के साथ भी किया हुआ है, पता नहीं उस समय मैं कहाँ था, कहीं पढ़ा हूँगा मैं, बट एनीवेज। अरे रिकॉर्डिंग मत करना भैया, है ना। हाँ तो मैं आपसे ये कहने, अरे मैं भाषण क्यों दे रहा हूँ इसको, तो एक काम करो, जीजू आएंगे, दीदी आएंगी, मिल लेना, थोड़ा ज़मीन वगैरह देख करके रखना, क्योंकि ज़मीन पे तो वो अपने आपका हक समझते हैं। अरे बाप का नहीं, अपने आप का वो समझते हैं ना। हाँ ठीक है, और ढंग से रहो यार, टीवी वीवी पे मत दिखो तुम, ठीक है। अच्छा ऐसा है अशोक जी, जहाँ पे मैंने पहले बोला था वहाँ से उठा लेना, अब आगे कट कर देना दोबारा से। कौन लखा, किसका लखा? मैंने पहले भी कहा है लखा सिर्फ एक है, वो जो चुन्नी डाल के माता के जगराते करता है, और मेरी मुलाकात उससे तभी हुई थी जब वो एक जागरण में गा रहा था। मैंने उसको बोला भैया, हाँ बहुत अच्छा गाते हो, कभी घर पे भी आओ। उसने कहा क्या मतलब? अरे मैंने कहा आओ ना कभी हवेली पे। ऐसे देख रहा था वो मुझे। उसने कहा जी मैं सात्विक काम करता हूं। मैंने कहा पर तुम्हारे बारे में तो मैंने कुछ कुछ सुना था। बोले वो कोई और लखा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस यही है लखा और इसी को मैं जानता हूं और यही हमारी बात हुई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां कैसे कब से आ रहा है, हमें सिर्फ इसकी परवाह है, इसकी परवाह है, इसकी परवाह है। देखिए मेरे फैंस इतने मशहूर हैं हर जगह, जहां भी जाता हूं मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, खास तौर से गर्ल्स। एक ने तो मुझे यहां तक बोल दिया था, सर आपकी एज कितनी है? मैंने कहा पहले कॉल मी राहुल। उसने बोला राहुल व्हाट इज योर एज? मैंने कहा 50। उसने बोला नो, आप में 25 25 के दो हैं। मैंने कहा थैंक यू। अब आप बोलेंगे मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं, मैं आप लोगों का दिमाग और ध्यान दोनों भटका रहा हूं कि आप मुझसे लखा के बारे में कुछ ना पूछें। वो एक टर ये भी काटना अशोक जी, वो कौन लखा, कौन? एक के तो बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी मुझे पता नहीं कौन है। मम्मी से पूछता हूं, अगर फिर भी कोई ऐसी बात हुई तो हमारी एक कमिटी बैठेगी, वो बताएगी
कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन कितने पानी में है, चलो भैया मान लेंगे। पर उसके लिए आपको पीएम साहब को इंडिया में होना ज़रूरी है। अगर वो इंडिया में नहीं है तो किसके आगे प्रूफ करूँगा, बताइए आप ज़रा। कहाँ आलू डालूंगा जो सोना निकलेगा, आप बताइए। अभी चलता हूँ मैं, कीप वेटिंग फॉर मी, और मुझसे आप पूछना मत, मेरा जवाब वही रहेगा। कौन लगता, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।